जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज के वीडियो में हम लेकर आए हैं आपके लिए 27 अक्टूबर 2020 का बहुत ही महत्वपूर्ण करंट अफेयर। तो वीडियो को पूरा अवश्य देखें और जो भी चैनल पर नए हैं वह चैनल को इस प्रकार सब्सक्राइब कर लें, बाजू में दिए घंटी घंटी को दबाएं और ऑल पर क्लिक करें ताकि ऑल वीडियो की जानकारी आपके यहाँ तक पहुंचे। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें और चैनल के ज्वाइन मेंबर बनना भी ना भूलें। चैनल ज्वाइन बटन पर आप क्लिक करेंगे तो तीन प्लान हैं, तीन प्लान में से आप जौन सा भी प्लान खरीदना चाहते हैं तो वह खरीद लें और चैनल के ज्वाइन मेंबर बन जाएं और चैनल को सपोर्ट करें। और आपके लिए ज्वाइन मेंबर जो भी बनता है उनके लिए बहुत ही फायदे हैं, उनके लिए PDF उपलब्ध कराई जाती है, स्टडी मटीरियल जो भी रहता है वह ज्वाइन मेंबर के लिए ग्रुप में उपलब्ध कराया जाता है, आपका एक अलग से ग्रुप भी बनाया गया है। स्टार्ट करते हैं आज का अपना ये वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, निम्न में से किस दिग्गज खिलाड़ी ने पुर्तगाल ग्रां प्री फॉर्मूला वन रेस जीतकर अपने करियर की 92वीं जीत दर्ज करके माइकल शूमाकर का रिकॉर्ड तोड़ दिया है? तो किसने यह रिकॉर्ड तोड़ दिया है और यह किसकी जीत है, 92वीं जीत है, तो कौन है वह? तो क्वेश्चन नंबर आज का यहाँ पर अपना फर्स्ट है और इसका जो सही आंसर है वह है विकल्प नंबर एक, यानी कि क्या है, लुइस हैमिल्टन। लुइस हैमिल्टन विकल्प नंबर एक आपका यहाँ पर सही आंसर होगा, लुइस हैमिल्टन। देखिए, ब्रिटिश ड्राइवर लुइस हैमिल्टन ने पुर्तगाल ग्रां प्री जीतकर फॉर्मूला वन का नया इतिहास रच दिया है। यह उनके करियर की 92वीं जीत थी और वह जर्मनी के महान ड्राइवर माइकल शूमाकर से आगे निकल गए हैं। यह 6 बार के विश्व चैंपियन हैमिल्टन की इस सत्र की 12वीं रेस में 8वीं जीत है। हैमिल्टन ने पहली F1 रेस 2007 में जीती थी और पहला खिताब 2008 में अपने नाम किया था। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर दो है अपने यहाँ पर, हाल ही में आलोक वर्मा को किस राज्य की लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? बिहार, पंजाब, हरियाणा या यहाँ पर पंजाब, दो विकल्प दिए हैं तो बताइए। यहाँ पर दो बार लिखा है पंजाब पंजाब, तो बताइए क्या होगा इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर दो है, आलोक वर्मा को किस राज्य की लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? और आपको आखिरी तक देखना है वीडियो, क्योंकि आखिरी में आपके लिए एक चैलेंज प्रश्न दिया जाता है जिसका आंसर आपके लिए कमेंट में लिखना होता है। जो भी विस्तृत लिखता है उसका कमेंट अगले वीडियो में शामिल किया जाता है। और यहाँ पर जो सही आंसर है वह है आपका हरियाणा, यानी कि विकल्प नंबर सी आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। क्या है, देखिए यहाँ पर, हरियाणा के राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य ने हाल ही में सेवानिवृत्त IFS अधिकारी आलोक वर्मा को हरियाणा लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के तौर पर शपथ दिलाई। वे CM के SDC टूर के अलावा अन्य अहम विभागों का जिम्मा संभाल चुके हैं। वे 6 साल तक आयोग के चेयरमैन रहेंगे, 6 साल तक चेयरमैन रहेंगे और आयोग चेयरमैन का कार्यकाल अधिकतम 6 साल या 62 वर्ष तक की आयु तक होता है। इनका जो कार्यकाल होता है वह 6 साल या जो 62 वर्ष से ऊपर रहते हैं उनका फिर इसमें नहीं होता है, तो 62 वर्ष तक की आयु तक रहता है। और अगला क्वेश्चन है, क्या है, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने हाल ही में किस देश को ग्रे लिस्ट में बरकरार रखा है? क्वेश्चन नंबर अपना तीन है, वह देश बताना है, नेपाल, जापान, भारत या पाकिस्तान। क्वेश्चन नंबर तीन है अपने यहाँ पर, 4 विकल्प हैं और इसका जो सही आंसर है वह है आपका विकल्प नंबर डी, यानी कि पाकिस्तान। विकल्प नंबर डी यहाँ पर सही आंसर होगा, पाकिस्तान। देखिए, फाइनेंशियल टास्क एक्शन टास्क फोर्स की बैठक में 23 अक्टूबर 2020 को फैसला लिया गया कि पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में रखा जाएगा। इसकी घोषणा FATF के अध्यक्ष मार्कस प्लियर ने की। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स एक अंतर सरकारी निकाय है। यह बल साल 1989 में मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकी फंडिंग को रोकने समेत अन्य संबंधित खतरों का मुकाबला करने हेतु स्थापित किया गया। कब किया गया, 1989 में। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 है अपने यहाँ पर, क्या है, देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 24 अक्टूबर 2020 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए गुजरात में कितनी परियोजनाओं का उद्घाटन किया है? तो क्वेश्चन नंबर 4 है अपना बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, 3, 7, 8 या 10, तो कितनी परियोजना को उद्घाटन किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 24 अक्टूबर 2020 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से? और यहाँ पर जो सही आंसर है वह आपका विकल्प नंबर 1, यहाँ पर सही आंसर होगा 3।
तीन आपका यहाँ पर विकल्प नंबर एक जो एक है यहाँ पर सही आंसर है। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 24 अक्टूबर 2020 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए गुजरात में तीन परियोजना का उद्घाटन किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने राज्य के किसानों के लिए किसान सूर्योदय योजना किया की जो है शुरुआत की है, और इसके अतिरिक्त जूनागढ़ में गिरनार रोपवे तथा अहमदाबाद स्थित यूएन मेहता कार्डियोलॉजी इंस्टीट्यूट एंड रिसर्च सेंटर से संबंधित पीडियाट्रिक हार्ट हॉस्पिटल का भी यहां पर उद्घाटन किया है। और किसान सूर्योदय योजना का लक्ष्य सिंचाई के लिए यहां पर किसानों को दिन के समय ऊर्जा की सप्लाई करना है, इसका उद्देश्य लक्ष्य है किसान सूर्योदय योजना का। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर क्या है, देखिए, केंद्रीय भूगर्भ जल प्राधिकरण ने पानी की बर्बादी और बेवजह इस्तेमाल पर रोक लगाने हेतु कितना दंड निर्धारित किया है। चार विकल्प हैं आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 5 है, और क्या होगा इसका सही आंसर जल्दी से बताएं। केंद्रीय भूगर्भ जल प्राधिकरण ने पानी की बर्बादी एवं बेवजह इस्तेमाल पर रोक लगाने हेतु कितना जो दंड है निर्धारित किया है, तो यहाँ पर सही आंसर है आपका विकल्प नंबर बी, क्या है, 1 लाख रुपए जुर्माना तथा एवं 5 साल तक जेल, यह जो है यहाँ पर जुर्माना होगा। देखिए, यहाँ पर केंद्रीय भूगर्भ जल प्राधिकरण ने के नए निर्देश के अनुसार पीने योग्य पानी का दुरुपयोग भारत में 1 लाख रुपए तक के जुर्माने और 5 साल तक की जेल की सजा के साथ दंडनीय अपराध होगा। ऐसे आदेश का पालन करने के लिए सभी एक तंत्र विकसित करेंगे और आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ दंडात्मक उपाय किए जाएंगे। देश में कोई व्यक्ति भूजल स्रोत से हासिल पीने योग्य पानी का बेवजह इस्तेमाल या बर्बादी नहीं कर सकता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, किस राज्य सरकार ने हाल ही में एकीकृत आदर्श कृषि ग्राम योजना की शुरुआत की है। क्वेश्चन नंबर 6 है यहाँ पर, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, सभी लोग इसका आंसर बताएंगे। किस राज्य सरकार ने हाल ही में एकीकृत आदर्श कृषि ग्राम योजना की शुरुआत की है, बिहार, कर्नाटक, उत्तराखंड या केरल। तो इस प्रकार चार विकल्प दिए हैं और इसका जो सही आंसर है आपका वह होगा उत्तराखंड, विकल्प नंबर सी यहाँ पर सही आंसर है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने हाल ही में एकीकृत आदर्श कृषि ग्राम योजना की शुरुआत की है। अब यहाँ से जो है उत्तराखंड के मुख्यमंत्री भी आपके लिए याद रखना है, कौन है, उत्तराखंड के जो मुख्यमंत्री हैं वह त्रिवेंद्र सिंह रावत। और यहाँ पर देखिए, आदर्श कृषि ग्राम योजना एक पहल है जो किसानों की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने और उनकी आय को दोगुनी करने के लिए एक मील का पत्थर साबित होगी। साथ ही यह किसानों को दिए जाने वाले ब्याज मुक्त ऋण की सीमा 2 लाख रुपए से 3 लाख रुपए की जा रही है। इसके अलावा किसानों को उत्पादकता बढ़ाने के लिए मशीनीकृत एवं वैज्ञानिक खेती पर जोर देने के लिए भी कहा गया है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, अपने यहाँ पर एशिया में प्रभाव रखने वाले 10 सबसे शक्तिशाली देशों में किस स्थान को चौथे स्थान पर चौथा स्थान मिला है, किस देश को चौथा स्थान मिला है, यह बताना है, नेपाल, चीन, भारत, जापान। तो एशिया में प्रभाव रखने वाले 10 सबसे शक्तिशाली देशों में किस देश को चौथा स्थान मिला है, तो यहाँ पर आपका सही आंसर है विकल्प नंबर डी यानी कि भारत। भारत यहाँ पर सही आंसर है, याद रखना है भारत आपका सही आंसर होगा। साल 2020 की दुनिया के सबसे शक्तिशाली देशों की लिस्ट जारी हो गई है। हर साल की तरह इस बार भी इस लिस्ट में अमेरिका शीर्ष पर काबिज है। सिडनी स्थित लोब इंस्टीट्यूट के एशिया पावर इंडेक्स 2020 के अनुसार 2019 में भारत का पावर स्कोर कितना था, 41.0 था, जो 2020 में घटकर 39.7 हो गया है। भारत ने राजनीतिक प्रभाव में दक्षिण कोरिया और रूस को पीछे छोड़ दिया है और अब अमेरिका के बाद चौथे स्थान पर है। इस इंडेक्स के अनुसार एशिया प्रशांत क्षेत्र को प्रभावित करने वाला सबसे शक्तिशाली देश जो है वह है आपका कौन सा है, अमेरिका, यहाँ पर आंसर होगा अमेरिका। अगला क्वेश्चन है क्या है कि गुजराती फिल्मों के किस प्रसिद्ध संगीतकार एवं पूर्व भाजपा सांसद का 83 साल की उम्र में निधन हो गया है। तो यहाँ पर 83 साल की उम्र में इनका निधन हो गया है, इनका नाम बताना है, क्या है इनका नाम। क्वेश्चन नंबर 8 है अपने यहाँ पर, क्या होगा इसका सही आंसर क्वेश्चन नंबर 8 का, तो इसका जो सही आंसर है वह है विकल्प नंबर एक यानी कि महेश कुमार कनोडिया। महेश कुमार कनोडिया यहाँ पर विकल्प नंबर एक आपका सही आंसर है।
प्रसिद्ध गुजराती संगीतकार, गायक और पूर्व सांसद महेश कनोडिया का लंबी बीमारी के बाद 25 अक्टूबर 2020 को गांधीनगर स्थित उनके आवास पर निधन हो गया। महेश कनोडिया उत्तरी गुजरात के पाटण से 3 बार भाजपा के विधायक थे। कनोडिया का खास बात यह थी कि वो 32 गायकों की आवाज में गाना गा सकते थे सकते हैं और उनमें एक महिला भी शामिल है, उसमें उस गायक में एक महिला भी शामिल है। और अगला क्वेश्चन है, क्या है, हाल ही में किस देश ने नो मास्क नो सर्विस नीति को लागू कर दिया है? तो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9। क्या होगा इसका सही आंसर कि भाई कौन सा देश है जिसने नो मास्क नो सर्विस नीति लागू की है? भारत, बांग्लादेश, चीन, रूस। तो यहाँ पर सही आंसर है बांग्लादेश, यानी कि विकल्प नंबर बी यहाँ पर सही आंसर होगा, बांग्लादेश। यहाँ पर देखिए, बांग्लादेश सरकार ने नो मास्क नो सर्विस नीति को लागू कर दिया है। प्रधानमंत्री शेख हसीना की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक ने फैसला किया है कि किसी को भी मास्क के बिना कार्यालय प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। यह निर्णय लिया गया है कि सभी कार्यालय को देश में कोरोना वायरस का प्रसार को नियंत्रित करने के लिए नो मास्क नो सर्विस करते हुए नोटिस बोर्ड लगाने होंगे। इसके तहत सरकार ने फैसला लिया है कि मास्क नहीं पहनने वाले लोगों को सरकार की तरफ से कोई सेवा नहीं दी जाएगी और ना ही बिना मास्क के कार्यालय में प्रवेश करने की अनुमति दी जाएगी। और आपके लिए यहाँ पर याद रखना है, जो बांग्लादेश है इसके जो प्रधानमंत्री हैं वह हैं शेख हसीना। कौन है? शेख हसीना। अगला क्वेश्चन है, विश्व पोलियो दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? 4 विकल्प हैं आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 10 है। तो क्या होगा इसका सही आंसर, विश्व पोलियो दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? 24 अक्टूबर, 10 जनवरी, 12 मार्च, 25 अप्रैल। तो क्या होगा इसका सही आंसर, विश्व पोलियो दिवस। तो यहाँ पर सही आंसर है क्या है, विकल्प नंबर 1, यानी कि 24 अक्टूबर। 24 अक्टूबर है जो इस दिन मनाया जाता है विश्व पोलियो दिवस के रूप में। देखिए, विश्व पोलियो दिवस हर साल 24 अक्टूबर को जोनास साल्क के जन्मदिन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। विश्व पोलियो दिवस विश्व पोलियो मुक्त दुनिया की ओर वैश्विक प्रयासों को उजागर करने और दुनिया के हर कोने से पोलियो उन्मूलन की लड़ाई में उन लोगों के अथक योगदान का सम्मान करने का अवसर प्रदान करता है। तो यह आपके लिए याद रखना, और विश्व पोलियो दिवस मनाया जाता है 24 अक्टूबर को। अब है देखिए, यह पिछले वीडियो का चैलेंज प्रश्न, हमने चैलेंज प्रश्न दिया था, भारत में जूट का सर्वाधिक क्षेत्रफल है तो वह है कहाँ पर, पश्चिम बंगाल, यानी कि विकल्प नंबर बी आपके यहाँ पर राइट आंसर है। देखिए, तो यहाँ पर कमेंट में लिखा है, देखिए इन्होंने लिखा है रीना कि भारत में जूट का सर्वाधिक क्षेत्रफल पश्चिम बंगाल में है। जूट एक प्रमुख रेशेदार फसल है, इसके रेशों से बोरे, रस्सियां, कालीन, कपड़े आदि बनाए जाते हैं। जूट की कृषि के लिए 25 से 35 तापमान की जरूरत होती है। और यहाँ पर देखिए, 100 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर की वर्षा, दोमट एवं नदियों की कचारी मिट्टी, स्वच्छ जल तथा सस्ता श्रम आवश्यक होता है। देश के 71% जूट का उत्पादन अकेले पश्चिम बंगाल में किया जाता है। यहाँ हुगली नदी का डेल्टाई क्षेत्र सबसे प्रमुख जूट उत्पादक क्षेत्र है। अन्य जूट उत्पादक जो राज्य हैं वह हैं बिहार, झारखंड, असम, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। तो यह कमेंट लिखा है, तो किसने लिखा है, यह रीना, रीना जी ने कमेंट लिखा है। तो अगर आप भी इसी तरह से कमेंट लिखेंगे तो आपका भी कमेंट अगले वीडियो में शामिल किया जाएगा। और ये है आपका चैलेंज प्रश्न, क्या है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में सबरीमाला स्थित है? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है यह, सबरीमाला स्थित है तो कहां पर स्थित है? सभी लोग आंसर बताएंगे आंध्र प्रदेश में, तमिलनाडु में, केरल में या कर्नाटक में। इस प्रकार 4 विकल्प हैं और ये है आपका आज का चैलेंज प्रश्न। सभी लोग विस्तृत लिखें, आपका भी कमेंट इसी तरह अगले वीडियो में शामिल किया जाएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, सभी लोग वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाएं और ऑल पर क्लिक करें ताकि ऑल वीडियो की जानकारी आपके यहां तक पहुंचे। और जो भी चैनल के ज्वाइन मेंबर बनना चाहते हैं भाई, तुरंत ही जल्दी से ज्वाइन मेंबर बन जाएं। आपके लिए यहां पर 3 प्लान दिए हैं, एक है आपका सिल्वर प्लान 29 रुपये का, और एक है आपका गोल्ड प्लान 59, और एक है डायमंड प्लान है 119। तो 3 प्लान में से आप जौन सा भी प्लान यहां पर खरीदेंगे तो खरीद सकते हैं और चैनल के ज्वाइन मेंबर बन सकते हैं। जैसे ही आप ज्वाइन मेंबर बनेंगे तो आपको जो ज्वाइन व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें शामिल कर दिया जाता है और वहां पर आपके लिए PDF स्टडी मटेरियल, जितने भी जो भी क्लास होती हैं उसकी जो भी PDF रहती है वह सभी आपके लिए ज्वाइन ग्रुप में उपलब्ध करा दी जाती हैं। तो आप
अभी बन जाएं ज्वाइन मेंबर और ज्वाइन मेंबर बन के बहुत सारे फायदे लें। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। सभी लोगों के लिए धन्यवाद। जय हिंद।